फायदा देखना चाहिए आपको। जी यहाँ पे कॉल लेते हैं। हेलो सलाम, जी जमील बात बोल रहा हूँ। क्या हाल आपसे है जमील साहब? खैरियत है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस लोड शेडिंग के अभाव में मुफ्ता जी सारा आए पाकिस्तान। हाय। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा है, जी ये अभी नौकरों की बात हो रही थी, जी लेडीज को तरगीब दे रही थी नौकर बढ़ाने चाहिए। जब नौकर बढ़ते हैं तो जाहिर है नौकरों के अंदर कुछ जज्ब भी आते हैं, जी जरासीम आ जाते हैं। जब जी ये लेडीज खाना पकाती हैं या कुछ भी काम करती हैं जी तो साफ जाहिर है उसमें गंदगी होती है, और गंदगी की वजह से मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों में लोग मुब्तला होते हैं। बिल्कुल ये मैं इससे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जरासीम कैसे नजर आएंगे? सही। अच्छा, मजे का सवाल है जमील साहब, बहुत ये शुक्रिया। जरासीम कैसे? कैसे नजर आएंगे? पता मेरे है ख्याल में जमील साहब को कहें कि ये वो जो नहीं दिखाते साबुन के इश्तहार में माइक्रोस्कोप लगा के ग्रीन ग्रीन सारा आ रहा होता है। ऑफ कोर्स देयर आर जरासीम, सही कैसे हम बात कह है। सकते हैं जरासीम आर अगर ऑलवेज। जरासीम नजर आने लग गए तो हर तरफ जरासीम। हाँ, और कैन यू बिलीव इट कि वो उस दिन मेरा बेटा मुझे दिखा रहा था कि माइट जो हमारे इतने हजारों के डस्ट माइट्स होते हैं वो इतने खौफनाक लुकिंग था। मैंने कहा तुम मुझे तो ना दिखाओ बात प्लीज। है। तो द थिंग इज कि जरासीम डेफिनेटली होते हैं, और वो खवातीन जिनको घर में कुकिंग करनी है, आटा गूंदना है और सब्जियां काटनी है, प्लीज वो प्लीज लंबे नाखून ना रखें बिल्कुल अपनी सेहत के लिए और अपने खानदान की सेहत सही के बात लिए। है। और जमील साहब की बात से मुझे याद आया कि मेरा भाई तो लिटरली दोनों बहनों के बिठा के जो है ना नाखून कटवाया करता था कि हाँ, तुम्हारी वजह से हम बीमार होंगे, तुम लोग खाना पकाती हो, किचन में घुसती हो। तो मतलब आप कहें उनको काट लें अपनी मिसेस को या बहन को। हाँ, अच्छा या आप खुद ना पका लें और खाना। खुद पका लें, मर्दों को हाँ भी काम करना एग्जैक्टली चाहिए। सही। अच्छा फरजीन, नाखून चबाने की, मैंने भी अपने बचपन में इतने नाखून चबाए हैं, बड़ी डांट पड़ती थी लेकिन बस वो छुटती नहीं थी आदत। कैसे जान छूट सकती है, क्या करना चाहिए उसके पता लिए? है द थिंग इज कि ये वाले मिर्ची जो लगा दे। हाँ है ना, जिस तरह के हैंग अप्स होते हैं ना हाँ उनके लिए ये होता है कि यू हैव टू साइकोथेरेपाइज योर सेल्फ, यू हैव टू साइक योर सेल्फ इन टू इट सही कि आपने ये काम नहीं नहीं करना। करना। लाइक स्मोकिंग, यू हैव टू ड्रॉप स्मोकिंग एंड यू राइट से ओके आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एंड यू डोंट डू इट। तो सही। इसी तरह वो जो आप जिस तरह कह रहे हो ना कि कोई चीज़ ऐसी लगा दी जाए जो कि आपको एब्सटेन कराए इस हैबिट से, क्योंकि वो सही हाथ चला जाता है मुंह की तरफ सही के बात काटो है, जल्दी से ना सही ये बात है। खत्म करो। सो द थिंग इज कि उसके ऊपर कोई कड़वी चीज लगा दी जाए तो उससे ये होएगा कि कम अज कम जो है आपको जब हाथ जाएगा तो यू वो टेस्ट इट एंड यू से ओके हाँ मैंने ये काम नहीं करना। सही। मतलब मैं मजे की बात बताऊं कि मेरी कजन ने ये चीज ट्राई की है कि लिटरली बच्चों के नाखूनों पे कुछ वो लगा दिया कि पता नहीं क्या कड़वी सी चीज, एलोवेरा ही लगा दिया होगा, कि उन्होंने वो छोड़ दिए बिकॉज वो हाँ, जब मुंह की तरफ लेके जाते थे तो कड़वा होता था। हाँ, अच्छा नेल कलर, नेल पॉलिश लगती तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं देखा है कि ज्यादातर ये होता है कि नेल कलर अगर आप एक दो दिन लगा के रखें उतारे तो नाखून ऐसे डल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, उसकी बिकॉज क्या ऑफ वजह? कोर्स देयर इज नो ऑक्सीजन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद योर नेल्स सही। एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। तो अच्छा उसमें यही है जैसे हाँ मैंने आपको पहले बताया था कि नेल कलर्स के दरमियान देर शुड बी अ रेस्ट एंड सही अगेन मेक श्योर कि देखिए मैंने आपको सही बताया ना कि अगर आपने नेल्स लंबे रखने हैं हाँ और अच्छे रखने हैं और मैनिक्योर्ड रखने हैं और शेपली रखने हैं, सही फाइल्ड एंड रियली प्रिम एंड प्रॉपर, देन देयर कम्स अ प्राइस सही के उसमें नेल कलर जब चिप ऑफ होता है ना तो वो सही बहुत बुरा लगता बहुत है। बुरा सो लगता है कीप इट रिफ्रेश्ड सही। और उस पर इनेमल यूज करें, जो आजकल हाँ कई इनेमल्स आए और प्रोटेक्टेंट बहुत होते अच्छे हैं हैं और कुछ बड़ी के अच्छी क्वालिटी के। डोंट गो फॉर नेल पॉलिशेज विच आर सही लो क्वालिटी, जस्ट गो सही फॉर गुड क्वालिटी हाँ स्टफ। ब्रांडेड अच्छी चीजें। हाँ, ठीक और जब उतारें तो फिर लेमन मिलते रहें। लेमन वाले उस पर। अच्छा उसके अलावा मुझे एक बात बताएं, अच्छा नेल कोट भी आता है हाँ वो भी हाँ मेरे ख्याल से हाँ प्रोटेक्ट दैट करता इज होगा। ऑल्सो गुड ऑब्वियसली अच्छा कोट एज द नेम कोट इम्प्लाइज। हाँ ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं कि शेप के बारे में बात कर लेते हैं कि वो आजकल चला है जी स्क्वायर शेप है, इतने बड़े बड़े नाखून और किसी के राउंड है, किसी के वो वी शेप में है, तो किस तरह का शेप किसको रखना चाहिए? अच्छा द थिंग इज के फैशन इज हाँ डेफिनेटली, वो कहते हैं इज एन अग्लीनेस दैट वी नीड टू सही चेंज एवरी नाउ एंड देन। सही व्हाई इट टर्न्स इनटू एन अग्लीनेस इज सही कि सारे एक चीज के पीछे पड़ करना जाते है हैं, बस चाहे वो उनको सूट करे या ना करे। फॉर लाइक ब्लॉक हील्स आ गई तो इवन यू नो द समझ शॉर्टर पीपल वर वेयरिंग देम एंड हाँ लुकिंग इवन मोर हिबे। सही ठीक है, इसमें ये होता है कि जो मोटे हाथ हाँ लोग हाँ हैं जिनके हाँ स्क्वायर और चलिए बड़े हाथ बिल्कुल हैं दे शुड नॉट कीप स्क्वायर नेल्स सही। एंड दे सी शुड गो फॉर लॉन्गर नेल्स। सुन ले खवातीन जिनको शौक है चौड़े जितने चौड़े चौड़े नाखून रखने का, बाकी से और बड़े लगते हैं। हाँ, बाय द वे आई थिंक दैट फ्रेंच मैनिक्योर जो है ना, आई हाँ थिंक दैट लुक्स रियली नीट। हाँ, वाकई बड़ा बहुत अच्छा अच्छा वो एक लगता है नेचुरल सी लुक भी देता है ना वाकई, नेल्स को। सबसे वो कलर तो नेल कलर से ज्यादा हाँ, अच्छा नेल कलर से ज्यादा अच्छा अच्छा लगता है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं बालों की, नाखूनों पे तो हो रही है, कि बालों को किस तरह से हेल्दी रखा जा सकता है, और मतलब गर्मियों में तो मैंने देखा है ज्यादा खराब हो रहे होते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से भी। अच्छा जी, अब हमारे बालों को दो तीन ब्रांड्स हैं, ठीक है, एक हाँ तो डाइज की, सही
पीपल इवन हु आर नॉट हैविंग ग्रे हेयर उनको डाई करना है क्योंकि उनको कलर कोई और अचीव करना है. ठीक है, पहले ये चक्कर नहीं होता था. फैशन, हाँ फैशन. फिर उसके बाद ये है कि ड्राइंग एंड ब्लो ड्राइंग एंड लॉट्स ऑफ स्टाइलिंग जिसमें मूसेज और स्टाइलिंग जेल्स और पता नहीं क्या क्या केमिकल आयरनिंग ब्लो ड्राई. हाँ, अब आप खुद सोचो. यू कैन नॉट एक्चुअली लिव विदाउट इट. एग्जैक्टली, नाउ यू थिंक अबाउट इट, आयरन इज सो हॉट एंड इवन द ब्लो ड्राइंग डैमेजेस द ऑल द जो उसकी टेक्सचर बिल्कुल खराब हो जाता है, बिकम्स रियली ड्राई. पहली चीज तो ये है कि कटवाते रहना चाहिए हर 3 महीने बाद. द एंड्स हैव टू बी क्लिप्ड ऑफ. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल, मतलब ये हमेशा होता है कि मैं चाहती हूँ मेरे बाल लंबे हो, लेकिन वो जो ट्रिमिंग होती है हर महीने दो महीने के बाद तो वो दोबारा उतने हो जाते हैं. जिन लोगों ने बाल बढ़ाने हैं वो क्या करें यार, तो बाल जल्दी बढ़ेंगे ना. अच्छा, हाँ नहीं तो स्टंटेड रहेगी उनकी ग्रोथ. जब स्प्लिट हो जाते हैं, देखो आयरन से बाल खुल जाता है नीचे का हिस्सा. ठीक है, वो स्प्लिट हो जाएगा. जब डेड हो गया तो उसने बढ़ना क्या है. तो बेहतर है कि आप उसे कटवाओगे तो वो 1 महीने में कम अज कम बढ़ेगा तो सही ना. जब आप आपने 3 महीने बाद कटवाने, तो जब 3 महीने बाद आप कटवाओगे तो कुछ तो बढ़ने दो ना आप उसे. सही. अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि बाल हेल्दी हो बजाय इसके कि जी लंबे हों और पतले हों. तो उसके लिए ऑयलिंग बहुत जरूरी. ऑयलिंग बहुत जरूरी. और क्या चीज इस्तेमाल की जा सकती है ऑयलिंग में? ये है कि नारियल का तेल इज वेरी गुड, कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड, अगेन रोगने बादाम इज वेरी गुड. हमने हमेशा बड़ों से भी सुना है कि हाँ. फिर अलसी का तेल बहुत अच्छा है, जो घोड़े नहीं होते उनको खिलाते हैं ये. अच्छा, अलसी और उससे उनकी वो शाइनिंग किस्म की वो एक बॉडी हो जाती है. सो अलसी जो आजकल बड़ी इट इज जो हम अच्छी काम पहले कर रहे होते थे, वो वेस्ट जाके भां करके कह देता जी ये बड़ी अच्छी चीज है. हम कहते हैं भाई हम तो पहले से 4 मार्क्स खा रहे हैं और सारे काम रिसर्च करके फिर बताते हैं. एंड कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो वेरी गुड. कैस्टर ऑयल इज यूजली टेकन टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, लेकिन आप उसको ऑयल जो आप ऑयल लगा रहे हैं उसमें हल्का सा डाल लेना तो वो बालों में बड़ी शाइन देता है. अच्छा, यानी कि मिक्स करके आप लगाएं किसी भी चीज़. ठीक है. अच्छा, आप जरा हाइजीन के बारे में बात करते हैं. हाइजीन, किस चीज़ की हाइजीन? मतलब बालों के लिए, नाखून के लिए. वही बात हुई थी, जरा दोबारा उस पर हम बात करते हैं. यही कि साफ सुथरे रखने चाहिए बालों को. यू डिप देम. अच्छा, द थिंग इज टू क्लेंज योर नेल एवरी वीक इज टू नीम गर्म पानी लेके उसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डालें या कोई भी एंटीसेप्टिक डालें, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट एंड ग्लिसरीन डाल के यू डिप योर हैंड्स इनटू इट एंड यू कीप इट देयर फॉर गुड 10 मिनट्स. ठीक है, और 10 मिनट के बाद निकाल के आप उसकी वो मैनिक्योर किट्स मिलती है जो हर एक के पास होनी चाहिए, जिससे डेड स्किन जो साइडों पे है ना वो आप रिमूव कर लेते हैं. और फिर हाँ, और जो साइडों पे आप जो अंदर कंडीशनर बहुत इस्तेमाल होता है तो ये नुकसान देते नहीं है बालों के लिए ज्यादा कंडीशनर इस्तेमाल करना? आई थिंक वाकई इस तरह होता है कि वही वाली केमिकल वाली बात के वाकई ज्यादा कंडीशनर और ज्यादा शैम्पूइंग इज बैड फॉर हेल्थ, क्योंकि एक नॉर्मल पीएच भी तो स्किन की होती है, हम उसको हर दफा उसको धो देते हैं. सो द थिंग इज कि आई थिंक कि मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के बाद शैम्पू करना, 3-4 दिन के बाद करना चाहिए. ठीक है, थैंक यू फरजीन मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. अच्छा जी, यहाँ पर आपके लिए मॉर्निंग मसाला की जानब से, न्यूज वन की जानब से गिफ्ट है. स्न्यूबा स्पा में आप जाइए और आप वहाँ पे वक्त गुजारें, उनकी बॉडी ट्रीटमेंट्स लें, उनकी सर्विसेज लें और मैनिक्योर पेडिक्योर. हाँ, मैनिक्योर पेडिक्योर भी लें, ये तो बहुत जरूरी था प्रोग्राम के लिए. थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू. यहाँ पर हम अपना ये सेगमेंट खत्म करते हैं. यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक. ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं.